नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। बरेली में दहेज की खातिर शादीशुदा महिला की हुई मौत। मृतका नीतू का मायका नवाबगंज तहसील के मोहल्ला चाणक्यपुरी में है। नीतू का विवाह ब्रजेश कुमार के साथ 10 साल पहले हुआ था। नीतू अपने पीछे एक बेटे और एक बेटी को छोड़ गई है। नीतू के भाई के मुताबिक शादी के बाद से ही ब्रजेश और उसका पूरा परिवार दहेज के लिए नीतू को प्रताड़ित करता था। आईपीसी की 4 धाराएं लगाकर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। नीतू की मौत की खबर के बाद से ही घर में मातम छाया हुआ है। अभी 5-6 दिन पहले ये लोग आए थे यहाँ पे थी तो इसने मार पीट करके यहाँ गेट वेट पे सुबह सुबह 5 बजे आके गदर किया है और उसे मारा था। तो फिर क्या उल्टा सीधा बातें कहने लगा कि मैं जहर खा लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो हमने कहा ठीक है, सब कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले सब कह रहे हैं, सब लोग थे पास में, बोले कहीं कुछ करना ले इसलिए भेज दो। अभी 3-4 दिन से ये वहाँ थी, मैं था नहीं घर पे। तो क्या कहते, परसों से सुबह से बात नहीं करने दी, कहा फोन की शादी की थी। ये परतासपुर है, ट्रांसपोर्ट नगर नरियावल से आगे। अभी 5 लगभग परसों से इसने बात नहीं करने दी, कहते बिल्कुल फ़ोन छीन लिया था। तो कल मैसेज आया था मेरे पास, मतलब व्हाट्सएप पे, कि तेरे मतलब जीजा ऐसे ही है, नालायक है, ये है वो है, और बेटा क्या कहते हैं, मतलब फ़ोन मैं बात कर लूँगी, फ़ोन छीन लिया है इसने। तो मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी देर बाद IBRM में मैं बैठा था, IBRM ट्रेनिंग कर रहा था मैं, तो मैं बैठा हुआ था, क्या कहते हैं, फिर मम्मी का तुरंत कॉल आया, क्या कहते हैं कि देखो बेटा उसके कुछ कर दिया है। और मैं जब गया तो मुझे पता नहीं चला, तो फिर छोटी भांजी है उसने फ़ोन करके बताया, इन सब ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे। तो जब मैंने मतलब हॉस्पिटल में जाके पूछा उससे, तो कहा उसने उसकी सास ने मारा है, सास ने तेल छिड़का था, ससुर ने और इसके पति ने। कौन सा तेल छिड़का? ये मिट्टी तेल। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे। तो किस बात को लेकर आग लगाई थी? अब वो सर उनका तो वही मतलब होता है एक इस टाइप से कि मुझे कम दिया शादी में, उससे ज़्यादा दिया, या मुझे दहेज के मांगे इस चक्कर से। तो वो गदर काटते थे यहाँ पे, यही गदर काटते थे, उसके जेठ ससुर यही वो सब यही कहते थे कि तू नीचे घर की ये है वो है। तो हम कहते थे, पूछते थे कि कम से कम बात तो करो आपस में बैठ के, लेकिन कुछ नहीं। तो पता चला तो यही सब निकला कि मतलब इसके घर दहेज वहेज के चक्कर में। और इसे इलाज के लिए कौन, आप लोग लगे थे? इलाज के लिए हम यहाँ से जा रहे थे, उन्हें पता चला, तब तक ताला लगा के भाग गए सब, ईशान हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। लेकिन डॉक्टर ने बताया 100% इसे जलाया है, और 100% जली है, कोई बचाने वाला नहीं आया था, बरामदे में आग लगाई थी।